कपिल शर्मा जल्दी अपना शो लेकर लोगों के बीच लौट रहे हैं। वहीं जहां लोग उनके शो पर सुनील ग्रोवर को देखने की उम्मीद कर रहे थे, तो अब ये खबर आ रही है कि सुनील ग्रोवर और शिल्पा शिंदे मिलकर जल्दी कपिल शर्मा को टक्कर देने वाले हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो शिल्पा शिंदे बिग बॉस में अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों में जगह पहले ही बना चुकी हैं, इसलिए अब वो घर से बाहर आने के बाद एक कॉमेडी शो करना चाहती हैं। ऐसे में उन्होंने साथ किया है डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी टीवी के सबसे टैलेंटेड कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का। अब दोनों मिलकर कपिल शर्मा के नए शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा को टक्कर देंगे। हालांकि अब तक उनके शो के आने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन फैंस को इसका इंतजार जरूर रहेगा। इधर कपिल शर्मा जहां अपने शो के फॉर्मेट को पहले जैसा ना रखकर कुछ ऐसा रखा है जिसमें वो सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, फिर आम जनता के साथ कुछ गेम्स खेलेंगे। वहीं सुनील ग्रोवर और शिल्पा शिंदे का शो पूरी तरह से कॉमेडी होने वाला है। लंबे वक्त से कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच कई सारे विवाद सामने आए हैं। हालांकि अपनी फिल्म फिरंगी के दौरान कपिल शर्मा ने ये भरोसा दिलाया था कि उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया है। कपिल शर्मा ने कहा था कि सुनील ग्रोवर से उन्होंने माफी मांगकर उन्हें मना लिया। दरअसल इस बात को बताते हुए कपिल शर्मा ने एक प्रमुख अखबार को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था सुनील इस वक्त कनाडा में है और वो जैसे ही कनाडा से वापस आएंगे मैं उनसे अपने कॉमेडी शो को लेकर डिस्कस करूंगा। यही नहीं, कपिल शर्मा ने बताया था कि काफी लंबे समय तक मेरी सुनील से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम मैसेज के जरिए लगातार बात करते हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे हम अपने शो को लेकर बातचीत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोबारा साथ काम करेंगे। बाकी कलाकार भी साथ आने के लिए तैयार हैं। कपिल ने सुनील के द कपिल शर्मा शो छोड़ने पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था मुझे दुख है कि हमारी लड़ाई इतनी बड़ी कि दोस्ती तक टूट गई। कपिल ने कहा मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन गलतफहमी बढ़ती चली गई। मैंने उन्हें समझाया कि हर कोई गलती करता है और मैंने भी की है। एक तरफ जहां सुनील ग्रोवर के नए शो के आने की बात चल रही है, तो इस बीच कपिल शर्मा ने सुनील पर बात करते हुए कहा है कि मुझे लगता है सुनील पहले इतना गुस्सा नहीं था, लेकिन शायद उसने खुद को खबरों में देखा तो और भी गुस्सा हो गया। कोई इतने दिन तक ग्रज कैसे रख सकता है, ऐसे में तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरी कोई गलती ही नहीं है। खैर, अगर सुनील ग्रोवर का शो आया तो कपिल और उनमें कांटे की टक्कर होना तो तय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लंबे समय बाद टीवी पर वापसी कर रहे कॉमेडी के ये दो सितारे लोगों के दिलों में पहली जैसी जगह बना पाते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।